देंगे जहां बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आज से नौतपा शुरू हो गए हैं। जी हां, हीट वेव की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों में पारा 43 डिग्री तक जाने की संभावना व्यक्त की गई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार हैं। 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की संभावना, गरज चमक के साथ बारिश की भी संभावना व्यक्त की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां पर आज से नौतपा शुरू होने वाले हैं और आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों में पारा 43 डिग्री तक जाने की संभावना, 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार, 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने की बात कही गई है और साथ ही गरज चमक के साथ बारिश की भी आशंका व्यक्त की गई है। तो आज से सूरज का प्रचंड प्रहार, नौतपा का वार देखने को मिलेगा और आज से हीट वेव की शुरुआत, लू की शुरुआत हो चुकी है। और अब अगले 9 दिनों तक आपको बहुत संभल कर रहना है, क्योंकि जो लू लगती है उसमें तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती है और उल्टी दस्त की शिकायत सबसे पहले, और कई लोगों की हालत इतनी ज़्यादा नाजुक हो जाती है कि हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने के आसार है। 2 दिनों तक हालांकि मौसम सामान्य रहने की बात कही गई, क्योंकि आंधी बारिश की भी बात कही जा रही है कि गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और इससे थोड़ी राहत होगी, लेकिन हाँ 43 से 45 डिग्री के बीच में पारा जा सकता है। नौतपा की शुरुआत आज से हो गई है और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। 2 दिनों तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान लगाया गया है। और सीधे रुख करेंगे संवाददाता तनु वर्मा, जुड़ गए हैं। तनु, नौतपा की शुरुआत आज से हो गई है, यानी कि बहुत संभल कर रहना पड़ेगा आने वाले दिनों में। जी बिल्कुल, देखिए आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है और छत्तीसगढ़ में जो हालात अभी बन रहे हैं उसको देखते हुए वेदर एक्सपर्ट के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि इस बार छत्तीसगढ़ में नौतपा जो है वो ज़्यादा नहीं तपेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 2 सिस्टम एक्टिव है जिसके चलते नमी युक्त हवाओं का आगमन लगातार यहाँ जारी है। ऐसे में नौतपा के शुरुआती दिनों में राजधानी रायपुर की हम बात करें और प्रदेश के कई जिलों की हम बात करें, वहाँ पर बारिश के आसार जो है वो जताए गए हैं। ऐसे में मैक्सिमम टेम्परेचर में कोई खास बढ़ोतरी जो है वो नहीं देखी जाएगी। साथ ही गर्मी की हम बात करें या नौतपा की हम बात करें तो लू जैसे हालात भी देखने को जो है वो नहीं मिलेंगे। हाँ, हालांकि इस दौरान बेचैनी और उमस जो है वो महसूस की जाएगी और इसके बाद 27 से 28 के बाद मौसम विभाग के मुताबिक मैक्सिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी की संभावना और इस दौरान टेम्परेचर जो है 43 के पार पहुंच सकता है। ऐसे में 27 और 28 मई के बाद लोगों को भीषण गर्मी का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल अभी टेम्परेचर जो है 40 से 43 के आसपास ही रहेगा और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अभी भी नौतपा के शुरुआती दिनों में बारिश के आसार है। ऐसे में हालात जो है वो सामान्य रहेंगे, हालांकि बेचैनी और उमस जो है वो जरूर रहेगी। जी बिल्कुल, बेचैनी और उमस रहेगी। और बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए तनु। तो अब देखना यह है कि नौतपा के जो, चूंकि दिन की शुरुआत हो गई है और कितना गर्म ये होता है, और लेकिन आपको सभी को समझना होगा कि नौतपा में जितना कोशिश करें बचकर रहें। सूरजपुर से खबर है जहां 50 से ज्यादा गांवों में बंद रहेगी बिजली। प्रतापपुर ब्लॉक के सब स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद रहेगी, मेंटेनेंस के कारण बिजली सप्लाई बंद रहने की बात कही गई है। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सूरजपुर से आपको खबर दे रहे हैं, 50 से ज्यादा गांवों में बंद रहेगी बिजली। प्रतापपुर ब्लॉक के सब स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद रहेगी, मेंटेनेंस के कारण बिजली सप्लाई नहीं हो पाएगी। दरअसल मेंटेनेंस का काम होना है और इसकी वजह से बिजली की सप्लाई प्रभावित रहेगी। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। जांजगीर चांपा से खबर है जहां नौतपा शुरू होते ही बिजली में कटौती की बात सामने आई है। शहर में कई हिस्सों में बिजली कटौती हो रही है, अलग अलग दिन अलग अलग जगह कटौती की जा रही है। रमन नगर होटल, ड्रीम पॉइंट, मदन पेट्रोल पंप, शंकर नगर में बिजली कटौती होगी। मेंटेनेंस के कारण बिजली सप्लाई बंद, जिला कार्यालय, कोर्ट परिसर, एसपी ऑफिस, जिला अस्पताल, कृषि विद्यालय, जिला पंचायत में कल होगा मेंटेनेंस का काम। तो जांजगीर चांपा से खबर है जहां पर नौतपा शुरू होते ही बिजली में कटौती देखी जा रही है। शहर में कई हिस्सों में बिजली कटौती हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर